बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्क व्यू सिटी लाहौर में 5 मरले का इंतहाई खूबसूरत घर नेक्स्ट टू कॉर्नर अवेलेबल फॉर सेल है। ये पार्क व्यू सिटी लाहौर का ट्यूलिप ब्लॉक है और ये देखिए ये कॉर्नर और ये नेक्स्ट टू कॉर्नर ये घर है। इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग है और बिजली पानी की सहूलियात मौजूद हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, द नेशनल स्कूल एंड कॉलेज, और ये सारा डिवेलप एरिया है। ये आप इसका स्ट्रीट व्यू देख लें, देखें सारे घर बने हुए हैं, बड़ा पुरसकून एरिया। ये देखिए बड़ी शांति है यहाँ पर। तो इस घर को, ये 5 मरले का घर है, इसका मैं आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ। तो चलते हैं जी घर के अंदर। ये देखिए एक छोटा सा लॉन बना हुआ है बाहर। ये घर में एंटर होते साथ ही ये ओपन एरिया, यहाँ पे भी छोटे सा प्लांटिंग का एरिया बना हुआ है। सॉलिड वुड के इसके डोर हैं। ये पाउडर रूम है लेफ्ट साइड पे। ये देखिए ये पाउडर रूम है जी। ये ड्राइंग रूम का डोर है सॉलिड वुड का, और ये मेन एंट्रेंस। ये गैराज की सीलिंग देखिए, गैराज भी स्टैंडर्ड साइज़ का, यहाँ पे कोई भी गाड़ी खड़ी की जा सकती है, पिजारो टाइप भी। ये एंटर हो रहे हैं जी हम ड्राइंग रूम से। ये ड्राइंग रूम में एंटर हुए हैं, देखें बड़ा शानदार इंटीरियर वर्क किया हुआ है। ये इसका एलसीडी पॉइंट है, मीडिया पॉइंट, टीवी लाउंज जिसे आप कह सकते हैं, और ये इसके वॉल्स को, यहाँ पे मिरर लगा है, 3D वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, यहाँ से आप इसका व्यू लें। एक पूरा हॉल टाइप है, ड्राइंग रूम कम टीवी लाउंज। ये इसकी सीलिंग का डिज़ाइन। ये जनाब सेपरेट इसकी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और ये इसका ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम। बेडरूम काफ़ी बड़ा है, खुला डुला, और इसमें वार्डरोब भी अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे बेड साइड टेबल्स के साथ बड़ी आसानी से पूरा आ सकता है, और इसके साथ ही इसका अटैच वॉशरूम है। ये कुछ इंस्टॉलेशन होनी है, और जो इस घर के मालिक हैं वो कह रहे थे कि जो बंदा लेगा उनके मुताबिक ही हम सेंट्री इंस्टॉलेशन कर देंगे, उनकी डिमांड के मुताबिक ही, उनकी मर्ज़ी की। ये इसका किचन है जी। किचन में भी ये इलेक्ट्रिक हुड और चूल्हा वगैरह इंस्टॉल होना है। छोटा मोटा इसका काम होने वाला है, बस इंस्टॉलेशन होने वाली हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। ये जी वेंटिलेशन के लिए और लॉन्ड्री के लिए ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे भी अभी मज़ीद इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रही है। ये हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए ये 3D वॉलपेपर और शीशा ग्लास यहाँ पे लगना है, मिरर। ये जी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम, और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत टीवी लाउंज बना हुआ है। इसकी सीलिंग का डिज़ाइन देखें, ये इसका टीवी लाउंज है खुला डुला, और ये किचन फर्स्ट फ्लोर का। ये देखिए हवादार और खुला और रोशन। ये जनाब इसका बेडरूम है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे उसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे इसका बेडरूम। ये सीलिंग का डिज़ाइन और ये वार्डरोब। विंडो वेंटिलेशन के लिए और अटैच वॉशरूम। ये जी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम और ये दूसरा बेडरूम। ये देखिए यहाँ पे भी 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत शानदार है। सीलिंग डिज़ाइन देखिए आप, और ये इसका अटैच वॉशरूम काफ़ी बड़ा, जिसमें वार्डरोब भी है साथ। ये इसका वॉशरूम है जी, और ये इसका टेरेस है। टेरेस में सफाई कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी तूफ़ानी हवा थी और
मिट्टी वगैरह आ गई। ये इसका टेरेस है और अब हम जा रहे हैं जी सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे ये एक सर्वेंट रूम, इसमें वार्डरोब बनी हुई है, ये भी काफ़ी खुला डुला है और ये इसके साथ भी अटैच वॉशरूम। सर्वेंट रूम मिला के चार बेडरूम है और ये छत के ऊपर पत्थर भी लगा हुआ है मार्बल। यहाँ से आप स्ट्रीट व्यू ले लें, ये देखें ये सारा डेवलप एरिया है। इस घर की डिमांड है 1.8 करोड़ रुपया। अगर आपने इसको लाइव विज़िट करना हो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पार्क यू सिटी लाहौर में बहुत से घर हैं मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं, आप कांटेक्ट कीजिए और विज़िट करने के लिए टाइम सेट करें। इसके अलावा भी पार्क यू सिटी लाहौर में अगर आपने प्लॉट ख़रीदना हो या बेचना हो या फाइल्स की खरीदो फरोख्त करनी हो तब भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।